हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ये हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम जेईई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो कि कभी ना कभी इस टॉपिक से आए हुए हैं। ऐसे हम 3 से 4 क्वेश्चंस की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक ये हमारा कंसेप्ट है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, जो आपको पूरी काइनेमेटिक्स में बहुत काम आने वाला है। तो आपको वीडियो को मैं अंत तक बने रहना है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, वेलोसिटी बहुत टाइप के होते हैं। यूनिफॉर्म भी होती हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी होती हैं, एवरेज भी होती है और इंस्टेंटेनियस भी होती है। वो हम आगे के वीडियोस में उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो अगर मैं ए से बी जाऊँ तो फिर जो मेरी एवरेज वेलोसिटी होगी, मान लीजिए मैंने टी टाइम लिया, तो फिर मेरी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी अपॉन टाइम टी। दोस्तों, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब बहुत पहले से ही इसको पढ़ते आए हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये देखिए, आपको वेलोसिटी के अलग अलग टाइप्स आपको दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं एवरेज स्पीड के बारे में, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक्स में से एक है। एवरेज स्पीड क्या होता है। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि डी अपॉन टी। तो दोस्तों, आज तक जो आपने जो भी स्पीड पढ़ी है वो आपने एवरेज स्पीड ही पढ़ी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन दोनों के फॉर्मूले में फ़र्क क्या है। दोस्तों, एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी अगर हम करें तो दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी या फिर वी एवरेज आती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, या फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो वैसे ही एवरेज स्पीड आती है रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाता है हमारा एवरेज स्पीड, या फिर एस एवरेज। तो दोस्तों, चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन देखें इन्हीं दो कंसेप्ट के ऊपर। तो दोस्तों, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। अ कार कवर्स हाफ डिस्टेंस डी विद स्पीड वी वन एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय स्पीड वी टू, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो दोस्तों, हमें दिया गया है कि एक बहुत बड़ी डिस्टेंस है जिसका आधा रास्ता है डी। तो हम लिख लेते हैं ऐसे डी। तो एक कार जो है वो एक को वी वन से कवर करती है और एक को वी टू से कवर करती है। तो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, हमने देखा कि वो क्या है, 2d है, ये d और ये भी d। और वैसे ही अगर हम टाइम को t1 और t2 ले लें तो फिर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर t1 हो जाएगा d बाई v1 और t2 हो जाएगा d बाई v2। अब हम एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में ये वैल्यूज को रख देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फिर 2d अपॉन t1 प्लस t2, d बाई v1 प्लस d बाई v2। तो फिर v1 v2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आएगा v1 प्लस v2, d से d का कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट में हमारे पास रिजल्ट बचेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ गया है, क्योंकि ये जो है वो हम तब यूज करेंगे तब जो हम जो हैं वो दोनों स्पीड से
हाफ ऑफ डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं। तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए, अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है AI ट्रिपल इज 1999 का। तो दोस्तों ये जो है वो बिल्कुल JEE की ही तरह है, पहले AI ट्रिपल ई होता है। तो दोस्तों हमसे ये कह रहे हैं कि 1 सेकेंड में आ पार्टिकल गोज फ्रॉम A.A टू B मूविंग इन अ सेमी सर्कल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड इज 3.14, 1, 2 या फिर 0। तो दोस्तों A पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो दोस्तों जो हमको रेडियस दी गई है वो कितनी है, 1 है। रेडियस हमको दी गई है 1। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये होगी R और ये होगी R। तो दोस्तों टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2R। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू 2/1। तो दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड हमारा का आंसर हो जाएगा। हमने कैसे किया, 2 × R अपॉन टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, तो 2 × 1/1। तो इसका आंसर हो जाएगा सही सी। आगे बढ़ते हैं नीट 2023 के क्वेश्चन की तरफ। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज 3v/4, v/3, 2v/3 या फिर 4v/3। तो दोस्तों एक व्हीकल है जो कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करती है v से और हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2v स्पीड से। तो मान लीजिए ये d है और ये d है, तो इसको वो v से कवर कर रही है और 2v से कवर कर रही है। तो ऐसा हो गया कि ये एक बार रोड में चल रही थी और उसके बाद वो हाईवे में आ गई। तो वैसे तो आप देखें तो इसमें इक्वल डिस्टेंस हमको दिया गया है। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2v1 × v2 / v1 + v2। तो हम इसको हम कैसे अब अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि जो s/2 हमने किया v से और s/2 किससे किया, 2v से। तो 2v1 v2 / v1 + v2, 2 × v × 2v / v+2v, 4v² / 3v। तो v से v का स्क्वायर कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा 4v/3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 4v/3। आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि नीट 2019 से है। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन 1/v = 1/v1 + 1/v2, 2/v = 1/v1 + 1/v2, v/2 = v1 + v2/2 या फिर v = v√v1। तो दोस्तों वो सर्टन डिस्टेंस जो है x कवर कर रही है। तो दोस्तों जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई वो क्या हुई, 2x। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच फेज क्या हुई, x हुई। तो टाइम जो पहले लगा फर्स्ट फेज में क्या लगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/v1। सेकेंड फेज में लगा वैसा ही x/v2। तो फिर टोटल टाइम कितना लगा, x/v1 + x/v2, x को हमने कॉमन लिया तो 1/v1 + 1/v2। तो फिर अब हमको एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है। तो फिर 2x / x/v1 + x/v2 अपॉन x/1/v1 + 1/v2। तो दोस्तों इससे v का फॉर्म का हमको एक्सप्रेशन मिल गया 2/1/v1 + 1/v2। तो दोस्तों ये जो है वो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम देखें। तो दोस्तों देखिए सी 2/v1 इसका आंसर हो जाएगा सी v/2।
इंटू वी वन प्लस वी टू बाई टू, क्योंकि दोस्तों